मैंने अपमान दोनों को बोल दो। बीसवां गुरु बना लिया कवारी छोरी के कंगन को। कवारी छोरी को देखने के लिए ससुराल वाले गए, महाराज छोरी अंकल में खींच कोट रही थी, हाथ ऊंचा करे छोड़िया छम 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 बजे, नीचा करे छम 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 बजे, और महाराज छोरी विचार करती है ये तो घर का आपा जा रहा है, मेरे घर में कोई नहीं है, सोचेंगे कांच की चूड़ियां हैं। तो छोरी ने चूड़ियां उतारी, दो रखी, दो बजी, एक रखी एक बजी नहीं, दत्तात्रेय ने गुरु बना लिया कवारी छोरी के कंगन को कि भजन करते समय अकेले को करना है। दो तो चूड़ियां बजी, एक नहीं बजी। अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, दो बासण बजते हैं एक नहीं बजता है। भजन करते समय अकेले रहो, पढ़ाई करते समय दो जने रहो, संगीत करते समय तीन जने रहो। तीन से संगीत अच्छा होगा और दो से पढ़ाई अच्छी होगी और एकले से भजन। और कोई व्यक्ति सोचे दो जने मिलके हम माला फेरेंगे, बोलो ना, बात वे बिगड़ रहेगी नहीं। एक स्कूल के हेडमास्टर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल सबसे जो झूठ बात लिख के लाएगा उसको स्कूल की तरफ से इनाम दिया जाएगा। अब बच्चों का क्या, झूठा तो बत्तखगढ़ लगाना तो सरल है। एक बच्चे ने लिख दिया, हम और हमारे पिताजी दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते हम दोनों के पंखे आ गई, हम उड़ने लग गए, चंदा मामा के यहाँ पहुंचे, चंदा मामा ने लड्डू दिया, फिर नीचे आए, पंखे ठीक हो गई। झूठी बात ज्यादा होगी उसको इनाम। एक बच्चे ने लिख दिया, हम और हमारे पिताजी समुद्र में नौका में बैठे हुए थे, समुद्र में आग लग गई, मेरे पिताजी ने फूंक लगाई, आग बुझ गई। बोलो अब दोनों में झूठ, जो जितना झूठ होगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक बच्चे ने छोटे से कागज में लिख दिया कि एक कमरे में दो स्त्रियां 5 मिनट तक चुपचाप बैठी हुई थी। बोलो क्या लिखा, एक कमरे में दो स्त्रियां 5 मिनट चुपचाप बैठी हुई थी। महाराज हेडमास्टर ने कहा, इससे झूठ कोई हो नहीं सकता, सबसे झूठ बात तो यह है, क्योंकि दो स्त्रियां 5 मिनट एक कमरे में चुपचाप रह ही नहीं सकती। और यहां देखो भागवत की उपलब्धि, तुम सैकड़ों चुपचाप बैठी, ये कम है। महाराज स्त्रियां कभी चुप रहती नहीं है, अरे भागवत भी कहता मैं देख लो। अरे यहां आज मेरी 665वीं भागवत पूरी हो रही है। अब मैंने इतनी जगह की है, मेरे को तो आप सब पहचान जाओगे, कहीं भी जाऊंगा मैं तो सबको नहीं पहचाना। मैं देखता हूँ महाराज, मैं स्टेशन से उतरता हूँ तो अभी कोई ना कोई पीछे से गुरुजी, चुप नहीं रहेगी। अरे एयरपोर्ट में नहीं, हवाई जहाज में भी चुप नहीं रहती है, सीट पर बैठा रहता हूँ ना, कोई ना कोई गुरुजी आप बंबई से कथा करके आए, हाँ बंबई से अभी की क्या, हाँ अभी की, आगे कहाँ करोगे और बता दो, आगे वहां करेंगे बात होते क्या। गुरु जी हमारे यहाँ आपने की ना जयपुर में, मैंने हाँ की थी। अब सारी बातें पूछने के बाद एक बात जरूर वो पूछेगी, गुरु जी बताओ नहीं थारे कथा में चटाओ कथो का यार, लो और बता दो। भगवान की बड़ी कृपा, चार चार घंटा ये साधना करनी मामूली बात नहीं है। 4 घंटा तुम कथा सुन रहे हो, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ये तो हिम्मत दिलाने वाला दूसरा है। अरे बांसुरी अच्छी बज रही है, तबला अच्छा बज रहा है, अब विचार करके देखो बांसुरी अच्छी बज रही है या बजाने वाला कोई और है। बोलो बांसुरी अच्छी नहीं बजती है, बजाने वाला कोई और है। तबला अच्छा नहीं बज रहा है, उसको बजाने वाला कोई और है। ऐसे ही श्रोता अच्छा नहीं सुन रहा है, उसको सुनाने वाला कोई और है। वक्ता अच्छा नहीं बोल रहा, उसको बुलाने वाला कोई और है। बैठ नहीं सकते महाराज। और कभी कभी तो महाराज आप लोग देखो 4.5 घंटा भी बैठे हो, नंद उत्सव में तो 5 घंटे लग गए थे, रुकणी ब्याह में 6 घंटे। बोलो कल नाच रहे थे, कौन था
किसकी शक्ति थी? मैं कथा नहीं सुन रहा हूं, मेरे को सुनाने वाला वो कोई और है। बिगर पितरेश्वरों की यही तो कृपा है, उनके बिगर तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो घर में बैठो ना एक बार पलाखी मार के, 15 मिनट बैठोगे, बींदनी है गोडो को दुखे है, पलाखी मार दी बींदनी, कुर्सी जाए, बोलो कुर्सी पर बैठोगे तो अभी बेटा नहीं जाएगा। अरे याद देखो 21वां गुरु सर्प को बना लिया, ज्यादा मकान मत बनाओ, सर्प मकान नहीं बनाता है, चौके बिलों में आराम से रहता है, ज्यादा मकान नहीं। अच्छा बताओ नागपुर में, बंबई में, पुणे में, दिल्ली में मकान मालिक दुखी है भाड़ेती दुखी है? बोलो है? भाड़ेती हमेशा सुखी रहता है, मालिक हमेशा दुखी रहता है। हाँ चूहा बोलो ना, बिल का चूहा, मालिक सुखी है दुखी है? और सर्प हमेशा सुखी है? बोलो सर्प बिल बनाता ही नहीं है। ज्यादा ज्यादा ढूंढे बनाओगे ना कोई सर्प के चर बैठ जाएगा, नींद हराम कर देगा महाराज। अपना बस बड़ी मौज से रहो, सबको ये गुरु बना के शिक्षा दो। बहुत अच्छी कथाएं है ये भागवत की है, मैं इधर उधर की नहीं कह रहा हूं, पितरों को मुक्त करने की कथा है। तुम आई बड़ी कृपा की, तुम कथा सुन करके अपने पितरों की मुक्ति की कामना कर रहे हो और मैं यहाँ कथा सुना के मेरे पितरों की मुक्ति की कामना कर रहा हूं, इसलिए कथा से बाहर नहीं जा रहा, भागवत की कथा सुना रहा। सुना करो तुम, अंतिम दिन तो जरूर कथा सुना करो ये 24 गुरुओं की। यदि ये सुन ली, परीक्षित की मुक्ति सुन ली, तुम्हारी कथा पूरी भागवत की हो जाएगी। लेकिन होगी क्या? बोलो, भागवत को गीता मंदिर तक पहुंचाओगे तब पक्के हो जाना। 5 मिनट नहीं लगेगी, 5 मिनट। कितने गुरु हो गए? 21। 22वां गुरु मकड़ी को बना लिया, मकड़ी को गुरु बना के क्या शिक्षा ली? अपने मुख से सूत निकालती है वो, और जब चाहे मुख में समेट देती है, बाहर से नहीं लाती है, और फिर समेट के उधर और जाल फैला लेगी। अब मकड़ी जैसे अपने ही मुख से सूत निकाल करके जाल बना लेती है, और जाल को जब चाहे अपने ही मुख में समेट लेती है, ऐसी भगवान भी मकड़ी की तरह है, जब चाहे जीव रूपी सूत को पैदा कर देते हैं और अपने ही मुख से, और जब चाहे जीव रूपी सूत को अपने ही मुख में समेट देते हैं। कोई आवे तो समझो भगवान की कृपा से आ गया, और कोई बूढ़ा बडेरा जावे तो समझो भगवान के मुख से आया, इसे भगवान के मुख में चला गए। कितने गुरु हो गए? 22। वाह देखो बच्चों, देखो बच्चे बता रहे हैं। 23वां गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने लवार को, बाण बनाने वाले को। ये बाण बनाने वाला होता है ना लवार, उसका ध्यान बाण में रहता है। वो बाण बना रहा था और राजा की सवारी महाराज बैंड बाजे बजते हुए जा रहे थे, वो तो अपना ध्यान बाण में था, और किसी ना के कह रहे बाण बनाने वाला यहाँ से राजा की सवारी गई, देखा क्या बाण बनाने वाले ने कहा भाई मेरा तो ध्यान बाण में था। ध्यान करो, ऐसा करो बाहर की खटपट सुनाई नहीं देवे तब ध्यान है। अरे गाड़ी में चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो, और गाड़ी में नींद ले रहे हो, और गाड़ी खटाखट 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 कर रही है, क्या तुम खटाखट में ध्यान रखोगे नींद आएगी क्या? अरे गाड़ी में बैठते ही हो खटखट खटखट कर सुनने का, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। बोलो ना, ध्यान जाता है गाड़ी लेट ना हो जाओ, सो जाओ, रात्रि में सो जाते हैं, और खटखट का ध्यान ही नहीं रहता। ध्यान ऐसा करो कि बाहर की खटपट नहीं सुनाई देवे तो समझो ध्यान है। बूढ़ी सास वह उठ गई, ध्यान भी करती है, माला भी फेरती है, और माला फेरते फेरते अलमारी का शब्द सुनाई दिया, और उस समय क्या बोलेगी, बीननी तो हमारी अलमारी क्या ना खोली है? अरे तो माला फेर रही थी है? माला पेड़ते समय खटपट सुनाई दे दिया तो फिर ध्यान कैसे? ए मन की गति अटपटी झटपट लखे ना कोई, जे मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। खटपटान नहीं देनी चाहिए। ये बाण बनाने वाले से शिक्षा ली। कितने गुरु हो गए? 23। 24वां गुरु बना लिया लट और बमरे को एक साथ, बहुत सुंदर। भंवरा होता है ना, बमरा
राजस्थान में देखा होगा, वो बवरा माटी से मकान बनाता है, पत्थर पत्थर फोड़ के, और बिगर पानी बिगर बिगर कारीगर बिगर छत पर मकान बनाता है, उसको बवरा माटी कहते हैं। और एक छेद रख देता है, बिगर पानी बिगर और बिगर कारीगर बिगर। अपने मारवाड़ में कवावत कहानी है, ये आडी आडी पहली है, भवरे की पहली है। और बुढ़ी बुढ़ी माताएं पूछती है, बच्चों बताओ, अत्तर फोड़ो पत्थर फोड़ो फोड़ो शीशम शीशा, अरे बिन्या पानी मेल चिनावे ए कारीगर किसा। बोलो, अत्तर फोड़ो पत्थर फोड़ो फोड़ो शीशम शीशा, अरे बिन्या पानी मेल चिनावे ए कारीगर किसा। बच्चे कहते हैं बौरा होता है बौरा, बिगर पानी बिगर बिगर कारीगर बिगर मकान बनाता है, और बहुत मजबूत बनाता है, सीमेंट से भी मजबूत। बोलो, बिगर पानी बिगर कारीगर। एक छेद रख देता है, अंदर से थोपता रहता है, फिर वो क्या करता है, लट्टों को पकड़ के उस छेद में भरता है महाराज, सैकड़ों लट्टे। आप पूरा भर जाता है, तब भवरा उस छेद पर क्या करता है, ऐसे करता है, और लट भवरे का ऐसे ध्यान करती है, बो बो का। अब महाराज थोड़े ही समय में लट भंवरे का ध्यान करते करते लट भंवरा बन जाती है। जैसे लट भंवरे का ध्यान करते करते लट भंवरा बन जाती है, ऐसे ही नर नारायण का ध्यान करता है तो नर भी नारायण। आज नारायण का ध्यान करना है। ऐसे 24 गुरुओं की कथा सुना के उद्धव जी को बद्रिकाश्रम में भेज दिया। भगवान कृष्ण अपनी विभूति को भागवत में रख दिया। छठा प्रश्न हो गया है कि अपनी धर्म को कहाँ रखा, भागवत में रखे सह शरीर गो लोक धाम चले गए, कलयुग आ गया। हे परीक्षित, उस कलयुग के अंदर तुमने उसको चार जगह दी, पांचवां सोना दिया, तेरे सोने का मुकुट था, ओ तुमने जरासंध का पहना, कलयुग तेरे मुकुट पर बैठ गया, तेरी बुद्धि बिगड़ गई, तुमने ब्राह्मण के गले में सर्प पहनाया, ब्राह्मण के बालक ने सातवें दिन मरने का साप दिया, और तो साप सुनते ही गंगा किनारे पर आ गया। मैंने तेरे को सात दिनों में भगवान कृष्ण के जन्म से लेके गोलोक धाम तक की कथा को, बोलो ना, ये स्वतंत्र ही कला, भगवान जाने में भी स्वतंत्र, आने में भी। परीक्षित, और को सुनना है क्या? मैं बैठा रहूंगा, सर्प नहीं आसवाएगा। परीक्षित कहता है, भगवान आप सर्प आएगा तो भी सोचूंगा, सर्प का रूप धारण करके भगवान मेरे को लिए लेने के लिए आ गए, सर्प डसने के लिए निकला है, और एक ऋषि राजा परीक्षित को जिंदा करने के लिए निकला है, और सर्प सर्प क्या करता है, ऋषि को देख के कहता है, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण कहता, तू कहाँ जा रहा है? क्या मैं राजा परीक्षित को मारने के लिए? सर्प कहता है, ब्राह्मण कहता है, मैं उसको जिंदा करने के लिए। क्या मैं मारूं उसको तो जिंदा कर देगा? अरे मेरे मुख में ऐसा जहर है कि मैं राजा परीक्षित को डसूंगा ना, परीक्षित की शरीर की भस्मी बना दूंगा। ब्राह्मण कहता, मेरे मुख में ऐसे मंत्र है कि मैं भस्मी पर मंत्रों से जल छिड़कूंगा ना, ओ तो राजा परीक्षित जिंदा हो जाएगा। का सामने पिंपल का वृक्ष था, मैं इसको डस रहा हूं, का डस जय डसा, सर्प के जहर से पिंपल की भस्मी, वृक्ष की भस्मी बन गई। का मैंने भस्मी बना दी इसको हरा भरा कर। महाराज ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, सूर्य भगवान को दिखाया, तत्क्षणदेव हितम पुरस्तात् शुक्रम श्रद्धा पश्चिम श्रद्धा सतगुण श्रणयाम श्रद्धा सतम प्रब्राह्म श्रद्धा सतम धीना श्याम श्रद्धा सतम भूयस्व श्रद्धा सता। महाराज भस्मी बना हुआ पिंपल हरा भरा हो गया। सर्व विचार करता है, ये पिंपल को हरा भरा बना सकता है, मरे हुए परीक्षित को भी जिंदा करेगा। महाराज सर्प कहता है, ब्राह्मण देवता तो मत चल। ब्राह्मण कहता, तू ही जा, मैं नहीं चलूंगा। सर्प को तो जो करना था वो कर दिया, ब्राह्मण को जो करना था वो कर दिया।
क्योंकि परीक्षित को डसने से पहले ब्राह्मण ने सर्प को पिंपल के वृक्ष के ओर डसा दिया, और सर्प का नियम है कि पहले डसने बिना सारा जहर उसमें चला जाता है। 24 घंटे तक सर्प के मुख में जहर नहीं आ सकता। इस बात को आज विज्ञान भी मानता है कि सर्प पहले डस देवे, 24 घंटे के बाद में जहर आता है। तो सर्प के तो मुख में जहर ही नहीं था, सारा ब्राह्मण बन के गया है, क्योंकि परीक्षित ऋषियों के बीच में बैठा है। उसके बेटे जन्मे जिन्हें हाथ में बरछे भाले कटार दे दिए है, आवे सर्प को मार दो। सर्प ब्राह्मण बन के जाता है, उससे पहले ही महान आत्मा परीक्षित मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर विशुद्ध अनाहत आज्ञा नाम के चक्र का भेदन करके पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में, महतत्व को प्रकृति में, प्रकृति को ब्रह्म में लीन कर दिया। वो महान आत्मा परमात्मा के धाम में पहुंच गया, जिंदे जी मुक्त हो गया। तो भाई जीव ही परीक्षित है। सातवें दिन इसको तक्षक नाग डसेगा, बोलो ना, छोड़ेगा नहीं, काल आएगा। बस 7 दिनों का समय निकाल करके भागवत की कथा सुनो। भागवत हमको मरना सिखाती है, रामायण हमको जिंदा रखना बताती है। महान आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, जय जयकार वा। 88,000 ऋषि सूत जी से कहते हैं, ऋषि सूत जी परीक्षित तो मुक्त हो गया, लेकिन हमारी इच्छा है हम आपसे पूरी भागवत की कथा सुने। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक जो 7 दिन में सुनाई वापिस सुनाओ। अब हम 4-4 घंटा धारा प्रभाव 7 दिन बोले हैं, तब तो ये पुस्तक पूरी हुई है। अरे यहां पर कहते हैं वापिस भागवत की कथा सुनाओ, केवल 15-20 मिनट में सुना रहा हूं। और जो नहीं सुन सका है ना, आ जाओ कथा में, बस ये पूरी कथा हम केवल भागवत का सार 15-20 मिनट में पूरा करने की चेष्टा करूंगा। एक ये जन्मपत्री है, ये पहले फलादेश बता देता हूं। एक बार गाय का दान दी हुई गाय का दोबारे दान हो सकता है क्या? एक ही गाय को कितने बार दान कर सकते हो क्या? ये प्रश्न है अगले का, उत्तर दे रहा। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मनोधरी तथा पंच कन्या समरे नित्यम महापातक नाशनम। हमारे शास्त्रों में द्रौपदी को, उसके कितने पति थे बोलो? 5 थे ना। लेकिन द्रौपदी में ऐसी शक्ति थी, प्रतिदिन वो कन्या बन जाती थी। बोलो, युधिष्ठिर के कमरे की बारी होती, कन्या बन के जाती प्रतिदिन, जैसे कवारी कन्या होती है ऐसे बन के जाती, ऐसी शक्ति थी। युधिष्ठिर के कमरे से निकली, अब भीम के कमरे में जब जाएगी वो कन्या बन जाती थी। द्रौपदी जैसे प्रतिदिन कन्या बन जाती थी, अहिल्या जैसे प्रतिदिन कन्या बन जाती थी, तारा जैसे प्रतिदिन कन्या बन जाती थी, और मनोदरी भी कन्या बन जाती थी। आप लोग बोलते हो ऐसी गौ माता भी प्रतिदिन, बोलो ना, बछड़ी बन जाती है। बोलो, तुम दान दे दोगे, पहले दिन गौ माता का दान दे दिया, फिर भी वापिस दान दोगे, तुमको पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। गौ माता तो प्रतिदिन, बोलो ना, बछड़ी बन जाती है। द्रौपदी के 5 पति और गौ माता के 60 बहुत अधिक पति है, लेकिन क्यों है? क्योंकि गौ माता भी, बोलो ना, प्रतिदिन, बोलो ना, कन्या बन जाती है। इसलिए ये भाव मत रखना, तुम गौ दान करो, दान दी हुई का भी कर सकते हो, ठीक है ना, दान दी हुई का। हाँ, एक ध्यान रखना,
दान दे देते हो उसके बाद गाय को अपने घर मत लाओ, क्योंकि कन्या का दान हो जाता है ना, उसके बाद पिता ये नहीं कहता ये कन्या मेरे घर रखूंगा। एक जैसे कन्या का घर का खाया नहीं जाता है, ऐसे ही दान दी हुई गौ माता का दूध बोलो ना हाँ पियो, तो पैसे दे करके गौशाला में पी सकते हो। जैसे कन्या के घर जाते हो भोजन करते हो तो कन्या को भी कुछ देना, ऐसे ही गाय का दूध तुम दान दी हुई का लो ना, तो पैसे थोड़ा बोलो ना थोड़ा ज्यादा दे दिया करो, रुपया दो रुपया कहते हो ना कन्या के जाके, अरे भाई पांच रुपया अधिक दे देंगे, ऐसे गौ माता को ही थोड़ा दी। ये भी शंका का समाधान हुआ। एक और आई हुई है जन्म पुत्री बता देता हूं, गया जी में पिंड करने के बाद श्राद्ध करना जरूरी? हाँ जरूरी है, गया में पिंड दान करो फिर भी श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पितरेश्वर आते हैं, यदि समझ लो गया दान से वो पितरेश्वर भगवान में विलीन हो गए और तुम श्राद्ध कर रहे हो, तो श्राद्ध का सारा अन्न भगवान को मिल जाएगा। श्राद्ध करना मत छोड़ना, वो श्राद्ध में विलीन हुए तुम्हारे पितरेश्वर को मिल जाएगा। ऐसा कई बार शास्त्रार्थ हमारे विद्वानों में हो चुका है। हम गया जाते हैं इसी विषय पर, विद्वान खड़े होते हैं अपना अपना अनुभव अपना अपना सुनाते हैं, पूरा एकदम निचोड़ बता रहा हूँ, श्राद्ध करना मत छोड़ना। यहाँ तक कि बद्रीनाथ में जाके ब्रह्म कपाली कर दोगे तो भी श्राद्ध करना मत छोड़ना। तुम्हारे पितृसर विलीन हो गए भगवान में, तो श्राद्ध का अन्न तुम्हारा दिया हुआ भगवान को मिल जाएगा, भगवान को तो देना ही है ना। सीता माता ने मिट्टी का पिंड दान दिए थे, क्या मिट्टी का महत्व है क्या? अरे बहुत महत्व है। गया में जाकर के जो जहां पर पिंड दान सीता ने मिट्टी का दिया, वहां कोई मिट्टी का पिंड दान दे देता है, पितरेश्वरों की कृपा से उसके मकान की और जमीन की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए वो पिंड दान भी वहां पर आपको, वहां गया के पंडे भी बता देंगे कि इस दान से घर में जमीन की कमी नहीं रहेगी, जायदाद की कमी नहीं रहेगी, मकान और दुकान की कमी नहीं रहेगी। ये मैंने दो जन्म पत्रिका फलादेश बताया। थोड़ी देर के अंदर महाराज मैं थोड़ी कथा और सुना देता हूँ, थोड़ा सार बता देता हूँ, कहीं बैठे हैं तो 335 अध्यायों का। उसके बाद सुदामा जी इधर सामने से आएंगे, कोई पैरों पर हाथ में लगाना, और बड़ी आज कृष्ण रुक्मणी की झांकी का दर्शन। आज तो भगवान कृष्ण कहेंगे रुक्मणी से, रुक्मणी इसी ब्राह्मण की कृपा से तेरे को सोने का महल मिला है, और उसको रुक्मणी को लेके सुदामे के चरण धोएंगे। तो आओ थोड़ा सा ध्यान रहना, भागवत में 335 अध्याय 18,000 श्लोक 12 स्कंद, पहले स्कंद में 19 अध्याय है, 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत की कथा है, विश्वपिता मह का शरीर छोड़ने की कथा है, परीक्षित के जन्म की कथा है, पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा है, परीक्षित को सोने के मुकुट पर कलयुग के बैठने की कथा है, परीक्षित की बुद्धि का बिगड़ करके अरसमी के गले में पहनाने की कथा है, और श्रृंगी ऋषि का साथ जा तेरे को सातवें दिन तक्षक नाग डसेगा। ऐसे सुनते ही परीक्षित गंगा पर आया, सुखदेव जी मिले और भागवत सुनने के लिए बैठ गया। ये इतनी कथा आपके पहले स्कंद के 19 अध्यायों में आती है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर विशुद्ध अनाहत आदि चक्रों के वेदन की कथा है, और 4 श्लोकों की भागवत की कथा है, भागवत के 10 लक्षणों की कथा है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ओतय मनवंतराणी ईशानो कथा वंशानो चरित्र निरोध और मुक्ति और आश्रय, और विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाके भागवत सुनने की उत्कंठा की कथा है।
ये आपके दूसरे स्कंद के 10 अध्यायों की कथा हो गई। विदुर तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है। विदुर जी के घर गए हैं, आसन नहीं नीचे बैठे हैं, खेला नहीं छिलका खाया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल, जन लोक मर लोक तप लोक सत्य लोक वैकुंठ लोक, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकनी शाकनी यक्ष किन्नर गंधर्वा आदियों की उत्पत्ति का कथा है। 83,99,999 योनियों के बाद स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। सत्रोपासी देवहूति आकुति प्रसूति उत्तान पाद और प्रिय व्रत के जन्म की कथा। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ दौदा भक्ति की कथा और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल के जन्म की कथा। माँ को सांख्य शास्त्र के उपदेश देने की कथा ये आपके तीसरे स्कंद के 33 अध्यायों में आती है। चौथे स्कंद के अंदर 31 अध्याय है। आकुति का विवाह बताया, प्रसूति का विवाह बताया दक्ष के साथ, 16 लड़कियां, छोटी वाली लड़की का विवाह शंकर जी के साथ, पति का अपमान नहीं सहन कर पाई, यज्ञ में पति के बरसते गई, शरीर छोड़ा। महाराज वो दक्ष का यज्ञ बकरे का मुख से भगवान शंकर ने पूरा कराया। वही दक्ष की बेटी दाक्षायणी दूसरे जन्म में पार्वती बन करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। उद्ध्रुवे की कथा का वर्णन बताया। ये चौथे स्कंद के 31 अध्यायों में ये प्रसंग आया। पांचवें स्कंद के अंदर आग्निद्रय नाभि ऋषभ जड़ भरत की कथा का उपाख्यान। तामिश्र अंध तामिश्र रोरव महारोरव कुंभ पाक काल सूत्र असी पत्र बेतरणी जैसे नरकों की कथा और बेतरणी को पार करने के लिए गऊ का दान का महत्व पांच स्कंद में बताया। अब नरकों में न जाना पड़े उसके लिए छठे स्कंद के 19 अध्याय में अजामिल की कथा सुनाई। एक बेटे का नाम नारायण रखने से अजामिल बोलो ना परमात्मा के धाम में पहुँच गया। और महाराज अजामिल का और नाम का महत्व बताया और भगवान सुख के चरणों में परीक्षित का नतमस्तक आकर के दीति के हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद की कथा सुनने की उत्कंठा को आगे रखा। ये छठे स्कंद के 19 अध्यायों की कथा। सातवें में प्रहलाद का चरित्र बताया। सर्वत्र परमात्मा है। हिरण्यकश्यप ने बहुत वरदान मांगा, ने जल में मरो ने थल में मरो ने भूतों से मरो ने प्रेतों से मरो। तो प्रहलाद का जन्म होते प्रहलाद को मारने की तैयारी की नारायण नाम छुटाने के लिए। प्रहलाद द्वारा खंभे में भगवान है, खंभे में मारा, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, प्रहलाद की रक्षा की। ये 15 अध्यायों की कथा सातवें स्कंद में आती है। आठवें में 24 अध्याय है। आज महाराज गज और गाह की कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा आती है और कछुए का रूप धारण करने की कथा आती है, धनवंतरी अवतार की कथा आती है, अमृत निकलने की कथा आती है, मौनी रूप धारण करके भगवान के अवतार की कथा आती है और महाराज बामन का रूप धारण करके बलि के पास जाने की कथा आती है, तीन पैर जमीन में तन मन धन तीनों देने की कथा और लक्ष्मी का या आड़ा भगवान को छुड़ाने के लिए बलि को भाई बना करके राखी बांध के छुटाने की कथा आती है। ये कथाएं आठवें स्कंद के 24 अध्यायों में आती है। नौवें में 24 अध्याय है जिसमें वंशावली आती है चंद्रवंश सूर्य वंश की और चंद्रवंश की। थोड़ी वंशावली तो सुन लो, पितृपक्ष है आज अमावस्या है, ये तो पूरी सुना देता हूँ। हाँ सुनते रहो और गिनते रहो। ब्रह्मा का बेटा कश्यप, कश्यप का बेटा वैश्वान, वैश्वान का बेटा श्राद्धदेव, श्राद्धदेव का बेटा सुद्युम्न, सुद्युम्न का बेटा श्रयाति, श्रयाति का बेटा नभग, नभग का बेटा नाभाग, नाभाग का बेटा अमृत, अमृत का बेटा श्रुत, श्रुत का बेटा सिंधुदीप, सिंधुदीप का बेटा सिंधुनाभ, सिंधुनाभ का बेटा यवनाश्व, यवनाश्व का बेटा मानदाता, मानदाता का बेटा मुचकुंद, मुचकुंद का बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु का बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, रोहित का बेटा हरित, हरित का बेटा चम, चम का बेटा भ्रुक, भ्रुक का बेटा अव, का बेटा बाहुक,
भाव का बेटा, सगर सगर का बेटा, असमंजस असमंजस का बेटा, अंशुमान अंशुमान का बेटा, दिलीप दिलीप का बेटा, भगीरथ भगीरथ का बेटा, श्रुत श्रुत का बेटा, सिंधुदेव सिंधुदेव का बेटा, सिंधुनाभ सिंधुनाभ का बेटा, एडमिट एडमिट का बेटा, दीर्घ बाहु का बेटा, रघु रघु का बेटा, दशरथ और दशरथ जी के बोल दे रामचंद्र भगवान की। देखो 38वीं पीढ़ी में राम जी के जन्म की कथा, 39 के पीढ़ी में लव कुश की, ऐसी चंद्रवंश की भी सुन लो। ब्रह्मा का बेटा, अत्रि अत्रि का बेटा, चंद्रमा चंद्रमा का बेटा, बुद्ध बुद्ध का बेटा, पुर्रोवा पुर्रोवा का बेटा, आयु आयु का बेटा, श्रतायु श्रतायु का बेटा, जय जय का बेटा, भीम भीम का बेटा, कौंचन कौंचन का बेटा, वन्य वन्य का बेटा, कुश कुश का बेटा, कुशनाभ कुशनाभ का बेटा, गादी गादी के सत्यवती सत्यवती के, या खीर के अदला बदली से परशुराम, और विश्वामित्र विश्वामित्र का बेटा, नहुष नहुष का बेटा, याति याति का बेटा, यदु यदु के वंश में भगवान कृष्ण का जान। ये 9वें स्कंद के अंदर सूर्य वंश और चंद्र वंश की वंशावली की कथा भी पूरी हो गई। 10वें स्कंद में 90वां अध्याय है, भगवान के जन्म की कथा आती है, पूतना के वध की कथा आती है, तृणावर्ष अट्टासुर के वध की कथा आती है, काल्य नाग पर नाचने की कथा आती है, गोपियों के चीर हरण की कथा आती है, बोल दे गिरिराज धरण की, गिरिराज की कथा आती है, रास पंचाध्याय की कथा आती है, भगवान शंकर के पूजन का महत्व आता है, और मामे जी की चोटी पकड़ के मामे के कल्याण की कथा आती है, सांदीपनी के गुरु के मरे हुए बेटे को जिंदा करने की कथा आती है, और गोपिका और उद्धव का मिलन आता है, और भगवान कृष्ण के 16,108 विवाहों की कथा आती है, और सुदामे के चरित्र की कथा आती है। ये आप लोगों को मैंने 10वें स्कंद के 90 अध्यायों को भी बता दिया, और 11वें स्कंद के अंदर 24 गुरुओं की कथा आती है, और जाते समय 24 गुरुओं की कथा सुना करके भगवान गोलोक धाम गए, और भागवत में अपनी विभूति को रखा, 6 प्रश्नों का उत्तर, 16 कलाओं की कथा, और परीक्षित के मुक्ति की कथा 12वें स्कंद के 13 अध्यायों में आती है। सर्प डसने के लिए आया, उससे पहले महान आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गया। ये आप लोगों को मैंने 16 कलाओं की कथा सुनाई 7 दिन के अंदर, ऐसे 16 मिनट में ही आपको पूरी भागवत भी सुना दी। मेरे को भागवत सुनाने का सौभाग्य किशोर अवस्था में प्राप्त हो गया था। मैंने बड़े बड़े गांवों में, नगरों में, महानगरों में, तीर्थों में, सब जगह सुनाया, और आज भगवान की कृपा से, पितरेश्वरों के आशीर्वाद से मेरी 665वीं भागवत निर्विघ्न पूरी हो गई, कोई विघ्न नहीं। बहुत 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 आनंद आया। गौ माता के लिए हुई है, मैंने गायों के लिए बहुत जगह भागवत की कथा सुनाई है, बहुत गौशाला। जहाँ गौशाला में मैंने सुनाई है, वहां मैंने तुलसी जी का पत्ता ही बोलो ना प्रसाद रूप में लिया है, और यहां भी तुलसी का पत्ता ही ले रहा हूं। आप लोगों ने जो व्यास गद्दी पर भी चढ़ाया ना पूजा करके, वो भी मैं गायों के लिए ही दे रहा, क्योंकि मैंने पहले दिन कह दिया मैं गोरक्षण अनुसंधान केंद्र का सदस्य बन के आया हूं, तो सदस्यों ने दिया है तो मेरे को भी देना चाहिए, ये चढ़ाव तो मेरा है, लेकिन मैं गौ माता के लिए व्यास गद्दी का चढ़ावा भी दे रहा हूं, कि ये गौ माता के यहां से तुलसी जी का पत्ता लेके जा रहा हूं। आप लोगों को खूब बड़े मन से आशीर्वाद। आप लोगों ने बड़ा 7 दिनों में संदेह से स्नान कराया, हमारे मालू परिवार के पूरे परिवार के सदस्य, सोमानी परिवार, सालडा परिवार, सोनी परिवार, बियानी परिवार, हाँ, और हमारे मुख्य यजमान तापड़िया जी, दरक परिवार, पसारी परिवार, हमारे बंग परिवार, सारे आप लोग आए, और इस कथा के
खास तौर के नाम तो अब मैं किस किस का बोलूं, बोलो ना कहीं भूल जाऊं तो ठीक नहीं, लेकिन दो व्यक्तियों का नाम, एक तो हमारे संयोजक श्रवण कुमार जी मालू, अध्यक्ष राधेश्याम जी सारदा, इनको खूब बड़े मन से आशीर्वाद दे रहा हूँ। इनके यत्न से, इनके प्रयत्न से यह इतना बड़ा विशाल काम हुआ। गिरिराज इन्होंने उठाया, लेकिन लकड़ियां आप सबने लगाई है, सबने लगाई है, नहीं तो ये गिरिराज उठ नहीं सकता था। इनको भी खूब, और मेरी सेवा में भी हमारे सुभाष सोमाणी नटवर जी ये रहे, बियाणी परिवार के भी, सोनी परिवार के भी बच्चे रहे, बस उन्होंने प्रेम से खिलाया, और प्रेम से खिलाया इसलिए मेरे को भागवत में किसी प्रकार का भी कुछ ख्याल ही नहीं आया। मैं भी प्रेम से ही आपको कथा सुनाई। हाँ, खिलाने का बहुत आता है, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि भोजन कराने वाले का प्रभाव मन में बहुत जाता है। एक जगह मैं कथा सुना रहा था, रसोईया बनाने वाला भी क्रोध दिला था, तो मेरे को भोजन कराने वाला भी, बोलो ना, क्रोध से। एक दिन मेरे को भी कोई कथा में थोड़ी आयोजकों की भूल हो ही जाती है, और मैं कहता हूं भूल हुए क्षमा करो, और मैं व्यास गद्दी पर बैठा रहा हूं, और मैं महाराज क्रोध कर दो, तो एक दिन मेरे को भी क्रोध आ गया। मैंने सोचा मेरे जीवन में व्यास गद्दी पर मेरे को कभी क्रोध नहीं आया, यह कैसे आ गया? लोग तेरा अनुकरण करते हैं। पता लगा रसोई बना रहे थे, दोनों रसोई जुट्टम जुट्टा हो गए, और वो अन्न का प्रभाव। तो भाई यहाँ पर तो हमारे सुभाष जी, नटवर जी, बिहारी परिवार, सोनी परिवार बड़े प्रेम से भोजन कराया, ओ प्रेम का मैं वर्णन नहीं कर। और अंत में हमारे स्टेज मंत्री जी को, कोषाध्यक्ष जी को, कार्यकारिणी के सदस्यों को, सारी समिति को व्यास गद्दी से आशीर्वाद है कि आपकी भक्ति दिन दुणी रात सौगुणी बढ़ी। गुरु निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, माता पिताओं के प्रति आपकी निष्ठा जागृत हो जावे, और इतना आनंद आया मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या करूं, मेरे व्यास गद्दी पे जब बोलते समय बात आ जाती है ना, उस बात को कहे बिगर मेरे कुछ रहा नहीं जाता। पता नहीं कहलाने वाला कोई और ही होता है, मैंने कहा ना तुम नहीं सुनते हो, सुनाने वाला कोई और है, मैं बोल रही ना हूँ, मैं बोलाने वाला भी और है। आपको कहता हूँ ये आयोजन तुम प्रति 3 वर्ष के बाद में करा करो, और मैं आया करूँगा तुलसी जी के पत्ते में आपको भागवत सुनाया। 3 वर्ष, क्योंकि थोड़ा ज्यादा खाने से जैसे अजीर्ण हो जाता है ना, ऐसे ज्यादा सुनोगे तो भी पचा नहीं पाओगे। थोड़ा 3 वर्ष का गैप रखो, फिर गौ माता के लिए आप बुलाओगे, मैं दौड़ा 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 नागपुर में आऊंगा, और तुलसी जी के पत्ते में ही कथा। ये तो मेरे अभी अभी आ गया, मैंने बोल दिया, बाकी आपकी इच्छा बुलाओ तो अच्छा, नहीं बुलाओ, लेकिन शुभ कार्य होना ही चाहिए, इसका विराम नहीं होना चाहिए। यह आज से 9 दिन पहले सूरत में चल रहा था, और वहां से नागपुर में आ गया, यहाँ से चलता चलता ये नापासर में पहुंच जाएगा, और वहां से चलता हुआ ये नवंबर में, बोलो ना, चुरू भी पहुंच जाएगा, और वहां से चलता चलता 19 नवंबर को उदयपुर पहुंच जाएगा, और वहां से रवाना होकर के 28 दिसंबर को कलकत्ते पहुंच जाएगा, वहां से विदाई लेकर के ये 8 जनवरी को बंबई में पहुंच जाएगा हमारा। ये तो ज्ञान यज्ञ है, चलता रहना चाहिए। बस आपको भरे मन से आशीर्वाद है, कोई मैंने कुछ धारा प्रभाव बोला हूं, कोई आपको अच्छी चीज नहीं लगी है, उसको तो महाराज सूप की तरह, छाजले की तरह छाइला बन के निकाल देना, लेकिन बुरी चीज पास में मत रखना। बुरी चीज को तो छाइले की तरह, और अच्छी चीज को, बोलो ना, छाइला अच्छी चीज को पास में रखता, बुरी को फेंक देता, बुरी को फेंक देना। मैंने मेरे ख्याल में सुनाया नहीं है, क्यों, मैं कथा में बैठ जाता हूँ,
भगवान की कृपा से क्या बोलता हूं ये मेरे को पता नहीं है, बोलाने वाला। और बहुत सी कथाएं मैंने सुनाई और अब सोच रहा हूं बहुत सी सुनानी बाकी रह गई, क्योंकि अनंत है ये सागर है, इसमें तो गोता लगाओ उतना ही रत्न। झांकी का दर्शन सुदामा आ रहे हैं, स्टेज मंत्री जी सूचना दे रहे हैं। पहली सूचना दोगे कि पहले झांकी देख लो? बड़ी सुंदर भव्य झांकी, हमारी महावीर मालू कृष्ण बना हुआ है, प्रीति मालू रुक्मणी बनी हुई है, और सुदामा जी कैसे आएंगे पहरेदार खड़े हुए हैं। आप सुदामे का दर्शन करो, कैसे आज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होगा। सच्चिदानंद भगवान की देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का लेके आया हूं। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैये से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैये से कह दो, दर पे सुदामा खून टपक रहा है। गरीबा गया है भटकते 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 भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारी मेहनत के, गरीबा गया तुम्हारे मेहनत के, गरीबा गया है।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैना नगे जाता से खुशी का समारे कभी मांगना है, खुशी का समारे कभी मांगना है। अरे द्वार मारो कन्हैये से कह दो, करेंगे जुदा कभी मांगना है, करेंगे जुदा कभी रहेगा। सुदामा बनने वाले हमारे सुभाषी सोमाणी और कृष्ण बनने वाले महावीर प्रसाद मालू, रुक्मणी बनने वाली प्रीति मालू, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी भक्ति दुन दिनुई रात सोगनी बढ़ती रहे। गुरु निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, माता पिता सास ससुर के प्रति निष्ठा रहे, आपका जीवन निष्ठाओं से परिपूर्ण हो जावे। और हमारी कथा निर्विघ्न पूरी हो गई है, इसके लिए व्यास गद्दी से हमारे प्रिय पंडितों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि उन्होंने गणेश जी बहुत बढ़िया बनाए, कोई विघ्न नहीं आया। आशीर्वाद इन संगीतज्ञों को भी दे रहा हूँ, झांकी वाले को दे रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कथा तो बढ़िया ही होती है, लेकिन संगीत के माध्यम से और झांकी के माध्यम से कथाओं को आप लोगों ने नवीनता में प्रकट किया, उसके लिए आशीर्वाद। अब श्री मंत्री जी माताओं बहनों बैठे रहेंगे, एक हमारी प्रीति मालू का भजन भी होगा, वो सुन लेना, और उसके बाद आरती, आरती के बाद अपने सब, यदि आपको विश्वास हो गया है तो इस गुरुओं की कथा सुन के, परीक्षित की मुक्ति की कथा सुन के पक्का विश्वास हो गया, और 16 मिनट की भागवत सुन के पूरा 16 ना काम कर लेना, 12 ना मत करना, मंदिर तक जरूर आप साथ चलना। इसे मंत्री जय श्री कृष्णा, आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोगों ने तन मन धन से भागवत कथा में पूरा सहयोग दिया था, आज कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी रहती है, कृपया 10-15 मिनट का समय और दीजिएगा, और इसके पश्चात भागवत जी भवन के बाजू में जो मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है, वहाँ पर भागवत जी जाएगी, आप सब लोग वहाँ जाएंगे। अभी हमारे बजाज जी आपको जैसी सूचना देंगे उस तरह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसी भाव से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यह शिखर पूर्णावती दिवस, मैं नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सारडा आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने मन के बात यहाँ पर संबोधन स्वरूप प्रस्तुत करें। सभी को जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ विराजमान
आचार्य श्री मोहनलाल जी व्यास, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी गौ प्रेमी को मैं सादर नमन करता हूँ और जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण करने के लिए आपका एक दो मिनट लूंगा मैं। इस कथा में मुख्य यजमान, दैनिक यजमान, विभिन्न लोग जिन्होंने इस कथा में तन मन और धन, धन तो फिर भी मिल जाता है, तन और मन नहीं मिलता, तो जो कार्यकर्ताओं ने इस कथा को इतना सफल आयोजन किया उनकी उनको किस तरह से धन्यवाद दूं ऐसे शब्द मेरे पास नहीं है। आप लोगों ने आकर जो श्रोता है जिससे कथा की आयोजन की शोभा बढ़ती है ऐसे सभी श्रोताओं को मैं दिल से आभार प्रदर्शन करता हूं और आप लोगों ने जो 7 दिन ये निर्विघ्न कथा, हमेशा नहीं तो कथा में कुछ ना कुछ होता ही है परंतु प्रभु की मेहरबानी, स्वामी जी का आशीर्वाद और आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, ये पूर्ण आयोजन निर्विघ्न हुआ है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र है। पुनः एक बार अगर कोई आयोजन होता है, मेरी एक आदत है कि कुछ न कुछ ऐसा आयोजन करना, इसमें अगली बार अगर कोई आयोजन मैं करूंगा तो आप लोगों से इसी तरह का सहयोग मुझे भविष्य में मिलेगा, ये कामना करते हुए मैं अपने दो वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद श्री राधेश्याम जी। अब मैं इस संपूर्ण आयोजन के संयोजक श्री श्रवण कुमार जी माधो, अपने नाम के अनुरूप ही उनका स्वभाव है, हमारे डॉक्टर साहब मेरे को हर कदम कदम पर, जैसे परमेश्वर उनका नाम ही है, परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे पीठ पर हमेशा रहता है, मैं उनके लिए और अब जिन्हें बुला रहा हूँ उनके लिए एक बार अनुरोध करूंगा, करता ध्वनि से उनका अभिवादन अभिनंदन करें, श्री श्रवण कुमार जी माधो संयोजक। गौ माता की जय, स्वामी जी महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। थोड़ा जय जोर से बोलिए, भोजन प्रसादी करना है। भागवत पुराण की स्वामी जी महाराज ने इस गोरक्षण अनुसंधान केंद्र के फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए भागवत कथा का तुलसी दल के रूप में सेवा लेकर करने के लिए हमें अपनी अनुमति दी और यह भागवत कथा करी, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्वामी जी ने इतना ही नहीं, जितनी रकम यहाँ पर पोती पर चढ़ाई गई थी सारी रकम हमें दे दी गोरक्षण संस्था को। इसके बाद आज सवेरे जो परिक्रमा हुई थी, परिक्रमा में जितना चढ़ावा आया था सारा चढ़ावा, ड्राई फ्रूट, नारियल, सब कुछ सब दे दिया इन्होंने, भेंट कर दिया। स्वामी जी सिर्फ तुलसी दल लेके जा रहे हैं, आप लोग और एक बार करतल ध्वनि से धन्यवाद दे दें। मैं गोरक्षण अनुसंधान केंद्र का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं गोरक्षण केंद्र में बहुत कुछ एक्टिव नहीं था, लेकिन राधेश्याम जी साड़ा, सुधाकर जी पसारी, गोविंद जी पसारी, इन लोगों ने और पूरी कार्यकारिणी ने मुझे ये कार्यभार सौंपा, मैं इन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मुझे ऐसा स्वर्णिम कार्य करने का अवसर मिला, इसके लिए मेरा जीवन सफल हुआ, मैं एक बार और उनको धन्यवाद देता हूँ। ये एक सामाजिक और उसमें भी धार्मिक कार्यक्रम था, इस धार्मिक कार्यक्रम ने हमने फंड रेज करना था, लेकिन कथा भी बहुत सुंदर करनी थी। हमारा 108 गोदान का जो संकल्प किया था और हम जब यहाँ पर आए थे तब 77 गोदान हुए थे, उसके बाद में व्यासपीठ से जो आह्वान हुए थे उसका सम्मान करते हुए भक्तों ने इसको संख्या 130 तक पहुँचा दी। हाँ, तो मैं सभी दानदाताओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में हमारी बहनों ने भाइयों ने बहुत सहयोग दिया। बहनों ने उत्सव में हर उत्सव को बिल्कुल अपने घर का जैसा उत्सव रहता है, नंद उत्सव हो चाहे रुक्मिणी विवाह हो, फूलों की होली हो, और ये सब कोई प्रोफेशनल नहीं था, सब परिवार के लोग थे, हमारे अपने लोग थे, बहनें हमारी थी, भाभी हमारी थी, सब ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया और कार्यक्रम सुंदर बनाया। ऐसा सुंदर कार्यक्रम स्वामी जी भी मेरे को बोले ये एक धार्मिक आयोजन में ये एक मिसाल कायम हो जाएगी। मैं स्वामी जी का भी धन्यवाद देता हूँ। रामायण में एक पंक्ति आती है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। स्वामी जी ने भजन के माध्यम से हम सबका जीवन सफल कराया है, सब लोगों को अनुदान दान भेंट करने की भक्ति करने का मार्ग दिखाया है। और नहीं तो भी ये भागवत कथा ये आरती में आता है, अमर ग्रंथ है, भक्ति मार्ग है, तो ये भक्ति का मार्ग है, आपने भक्ति का मार्ग हमको दिखाया है। हम सभी आपका, सभी श्रोताओं का, सभी दानदाताओं का धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद श्री श्रवण कुमार जी। अब मैं देखिए, भार अगर महसूस हो तो आभार माना जाता है, लेकिन यहाँ तो भार गौ माता ने स्वयं उठा लिया था, लेकिन एक हमारा एक दायित्व है, कर्तव्य है, विधिवत आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुधाकर जी पसारी, सहसंयोजक नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र के। देखिए उपाध्यक्ष है ये कार्यकारिणी मंडल में, इनके भाव जो है इन्होंने लिख कर लाए, लेकिन भाव यही है कि भूल कर भी हमें भूल ना जाना, अगर भूलना ही चाहते हो तो हमारी भूल को भूल जाना। इन्हीं भाव के साथ में श्री सुधाकर जी पसारी। आदरणीय व्यासपीठ और सम उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रभु के काम प्रभु ही पूरे करता है। एक कथा से प्रेरित होकर गीता, गंगा, गायत्री, गुरु और गौ माता, इसको जिसने जीवन में अपना लिया उसका कोई काम दुनिया में रुका नहीं है। नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र द्वारा सतत जारी भागवत सप्ताह पिछले 7 दिनों से महाराज श्री ने अपनी अविरल वाणी से हमको रसपान कराया। हम संस्था की ओर से महाराज श्री का कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। सर्वप्रथम हमारे गोरक्षण परिसर में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। गोरक्षण परिसर में सालासर धाम का मंदिर है जो नागपुर में अपने एक ही है, सालासर धाम और राधा कृष्ण मंदिर। आप कभी भी गोरक्षण में आइए, बहुत वाइब्रेशन मिलेगा आपको वहाँ। 60 साल जहाँ 500 गायें हैं, 400 गायों की सेवा हुई है, वहाँ आप दर्शन के लिए आइए। वहाँ पर जन्मदिन हर विषय में ये अपना सवामणि प्रसाद होती है। हमारे अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी एवं श्री घासीराम जी मालू नित्य वहाँ का मंदिर कार्यभार देख रहे हैं, आप शामिल हो सकते हैं। एक विशेष संस्था के अंतर्गत लापसी गौरक्षण के अंतर्गत गायों को हम लापसी वितरण करते हैं, वो भी आप अपने कोई भी मांगलिक प्रसंग पे आके किसी भी संस्था को सदस्य को लिखवा सकते हैं। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान मरुधर भागवत भास्कर श्री मोहनलाल जी व्यास, जिन्होंने अपनी 665वीं कथा आज इस प्रांगण में गो सेवा हेतु कर अब हमें अत्यंत आभारी बना दिया कि हम उनका किन्हीं शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकते। मैं संस्था की ओर से, सभी पदाधिकारी ओर से उनका हृदय से आभारी हूँ। साथ में व्यासपीठ हमारे माता जी भी पधारे हैं, उन्होंने भी नियम से कथा सुना है, हम उनके भी आभारी हैं। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं स्वामी जी को आयुष्य आरोग्य
प्रदान करें ताकि वे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर धर्म ध्वजा फहराते रहें। बड़ी मारवाड़ महेश्वरी पंचायत के अध्यक्ष और सचिव तथा टीम श्री पुरुषोत्तम जी मालू का हम गौरक्षण संस्था की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमें निःशुल्क भवन प्रदान कर सारी सेवाएं प्रदान कर अनुग्रहित किया और इस कथा में सबसे बड़े भागीदार के रूप में अनुदान दिया है। तत्पश्चात हमारे प्रिय संयोजक श्री श्रवण बाबू मालू एवं उनकी टीम श्री गोविंद जी पसारी, वासुदेव जी मालू एवं राम अवतार जी तोतला, जिन्होंने सतत कंधे से कंधा मिलाकर इन 7 दिनों में जो अपना परिचय दिया है उसकी प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। हम उनका अत्यंत आभारी हैं। मालू श्रवण बाबू के साथ में काम करके ऐसा लगा कि कभी किसी को, मेरे ख्याल से पूरे 7 दिन में गुरुजी कोई शब्द नहीं जो उनकी कोई बुराई कर सके या कोई उनकी कोई गलत उनसे हुई हो, फिर भी हम संस्था की ओर से संपूर्ण टीम का आभार व्यक्त करते हैं। प्रथम दिवस की ऐतिहासिक शोभा यात्रा शायद आपने बार बार LED TV में देखी होगी, जो अगर सम्मिलित नहीं हुए उस शोभा यात्रा निमित्त जिन्होंने भी माताओं ने बहनों ने हमें योगदान दिया और विशेष रूप से शिव साई गर्जना बैंड पहली मर्तबा बजाया गया उसके लिए हम शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। अब आयोजन समिति के विशेष आयोजन अन्य क्षेत्र से होता है। अन्य क्षेत्र में श्री गिरिराज जी बियाणी, ईश्वर जी काकाणी, परदेशी जी एवं आचार्य राकेश महाराज, जिन्होंने राउंड द क्लॉक अपने कार्यालय अपने किचन को और भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा, उनके हम आभारी हैं। इस कथा के आयोजन के पूर्व अनेकों समितियां बनाई गई। प्रत्येक समिति और उनके स्वयं सेविकाओं ने हमें भरपूर सहयोग किया। विशेष रूप से महिला समिति की श्रीमती जयश्री जी बियाणी एवं टीम, हम संस्था उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार मानते हैं। स्टेज उद्घोषक के रूप में श्री द्वारकाधार प्रसाद जी बजाज, डॉक्टर परमेश्वर जी लड्डा एवं कुछ समय सहयोग श्री पूनम चंद जी मालू ने भी किया, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। विशेष पारिवारिक गोदान हेतु 131 गोदान का कार्यक्रम कल संपन्न होने जा रहा है। हमें नहीं मालूम ये कार्यक्रम अपना कैसा रूप लेगा। शहर में ये पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा है, जो संकल्पना की थी उससे बड़ा मूर्त रूप ले रहा है। सभी से अनुरोध है कल 10 बजे इस आयोजन में सम्मिलित हो गए इसका लाभ लेने, और सभी गोदान के महानुभावों को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप सभी श्रोता जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से यहाँ उपस्थित रह के इस कथा में उपस्थित हुए, हम उनका भी सम्मान करते हैं। मुख्य यजमान श्रीमती डॉक्टर गंगा देवी एवं डॉक्टर कैलाश जी तापड़िया परिवार, जिन्होंने प्रथम रूप में सम्मिलित होकर मुख्य यजमान का दायित्व तो निभाया, संस्था सदा उनका ऋणी रहेगी। 7 दिवस में सभी यजमान, 7 दिन के सभी यजमान एवं जिन्होंने गौ रक्षा के लिए तन मन धन से योगदान दिया है, संस्था उनकी व्यवहारी है। सभी समाचार पत्र के समूह एवं उनके माध्यम से संस्था की पूरे शहर में बुरी बुरी प्रशंसा हुई है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी न्यूज संकलनकर्ता कुमारी सीमा जी तिवारी, जिन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। श्री गोपाल जी दादीज एवं सहयोगी, जिन्होंने नानी भाई को मायरो 2 दिन तक हमारे सामने रात्रि में प्रस्तुत किया एवं भजन के श्रीमती कृष्ण प्रिया जी एवं प्रदीप जी मुंदड़ा, सुंदरकांड के श्री राधा कृष्ण उत्सव मंडल एवं भजन में विशेष रूप से प्रीति महावीर मालू, उनका हमें संध्या समय भरपूर सहयोग मिला, समय मिला, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। विनोद जी अग्रवाल वीडियो
विनोद जी अग्रवाल वीडियो जिन्होंने निरंतर 7 दिन दिखाया, संजय जी अंबेकर एलईडी वाल एवं मनोज जी साउंड वाले जिन्होंने अपनी उत्तम व्यवस्था हमें प्रदान करी। भागवत दौरान के समय झांकी के सजीव पात्र जिन्होंने भी अपना किरदार निभाया, उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक और हमारे कोषाध्यक्ष श्री ब्रिज किशोर जी दरक जिन्होंने कथा का आयोजन होने से लेकर आज तक पिछले 2 महीने इस कथा को संपूर्ण सेवा तन मन धन प्रदान किया, हम आभारी हैं। और तत्पश्चात मैं 1 मिनट का समय और लेना चाहता हूं, जो कार्यालय समिति हमारे साथ जुड़ी हुई है जिसके अंतर्गत पुखराज जी बंग, मांगीलाल जी बजाज, राम अवतार जी सत्यनारायण जी, राम अवतार जी तोता, सत्यनारायण जी राठी, इन्होंने निरंतर कार्यालय व्यवस्था संभाला है, हम उनके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब इस बढ़ते बड़े आयोजन में जिन्होंने भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस यज्ञ में हमें सहयोग किया है, हम उनके आभारी हैं। और विशेष रूप से अगर किसी भी सदस्य द्वारा, किसी भी कार्यकर्ता द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुधाकर जी। इस आयोजन के मुख्य यजमान तापड़िया परिवार की ओर से श्री गोपाल दास जी तापड़िया मन के भाव 2 मिनटों में व्यक्त करना चाहते हैं। आप आमंत्रित हैं श्री गोपाल दास जी तापड़िया। जय श्री कृष्ण। श्री नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र द्वारा श्राद्ध पक्ष के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज 7 दिवसीय समापन हो रहा है। प्रमुख यजमान मेरे भ्राता डॉक्टर कैलाश तापड़िया एवं बहू डॉक्टर गंगा देवी तथा दैनिक यजमानों के साथ हम सभी को कथावाचक आचार्य पंडित मोहनलाल जी व्यास द्वारा भागवत धर्म के आध्यात्मिक रहस्यों का विश्लेषण हुआ तथा भागवत के व्यावहारिक और पारमार्थिक महत्व का सुस्पष्ट प्रतिपादन हुआ। हम सभी श्रोता सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का श्रवण एवं संकीर्तन का लाभ मिला। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है, बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो उसे नित्य निरंतर भगवान के गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। व्यासपीठ पर विराजित आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने हम पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया। अब हम आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गए हैं। समय सीमा का ख्याल रखते हुए मैं पुनः श्री नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र के सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का तापड़िया परिवार की ओर से अभिवादन करता हूं, जिनके कारण हमें कथा श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ। आयोजकों एवं उनकी सेवा को शतशः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
धन्यवाद। धन्यवाद श्री तापड़िया जी। अब मैं आज के दैनिक यजमान श्री उमाकांत जी अग्निहोत्री परिवार के साथ में आपसे अनुरोध करूंगा आप व्यासपीठ पर पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने और अभिवादन करने के लिए पधारे। इसी तरह नागपुर नागरिक कोऑपरेटिव बैंक के जो प्रवेश द्वार स्वागत द्वार उनकी ओर से बनाया गया था, मैं श्री संजय जी भेंडे आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप कृपया व्यासपीठ पर आए। जय श्री कृष्ण परिवार की ओर से श्री श्याम जी सुगंध। दैनिक प्रसार के यजमान श्री राम स्वरूप जी सारडा, मेरा आपसे निवेदन है कृपया आप व्यासपीठ पर आए। और अब मैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्रम से कुछ श्रद्धालुओं के यहाँ नाम ले रहा हूँ, कृपया आप व्यासपीठ पर कतारबद्ध होकर पधारने की कृपा करें। श्री श्री वल्लभ जी मालू, श्री कैलाश चंद्र जी लाहौटी इंदौर निवासी, श्री विजय जी लड्डा, श्री श्री किशन जी लखोटिया, श्री राम कुमार जी मालू, श्री गोपी किशन जी सोनी, अनुशासन हमारी नागपुर की परंपरा रही है और हम हमेशा उसका निर्वाह करते आ रहे हैं। श्री रणछोड़ जी सारडा, श्री मूलचंद जी निर्माण, ऐसे आयोजनों में प्रेस रिपोर्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हमें उसपूर्त सहयोग दिया है इस मामले में सीमा तिवारी, मेरा आपसे भी निवेदन है आप कृपया व्यासपीठ पर आए। श्री संपत जी मांधना, और अब अभिवादन और आशीर्वाद की यह श्रृंखला संपन्न हो तब तक मुझे एक मिनट का समय मिला है क्षमा याचना करने का, ये मेरा परम कर्तव्य है। पूज्य व्यासपीठ की सेवा में समस्त सम्मानीय आयोजनकर्ताओं के शान में और आप सभी सुधी श्रद्धालु श्रोताओं के सेवा में, अगर वाणी वर्तन या व्यवहार से मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो भूल हो गई हो तो मैं विनम्रता पूर्वक आप सभी से विनयवत वंदन करते हुए क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं द्वारका प्रसाद बजाज, कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे, यही मेरी अनुनय विनय और अनुरोध है। और अब श्री नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र की ओर से थोड़ी देर पहले जैसे से भागवत की समाप्ति पर गोरक्षण सभा ने प्रसाद का आयोजन नागपुर गोरक्षण में किया है। जो भी परिवार जिसके पास पहुंचने का साधन ना हो उनके लिए 10:30 बजे यहां से बस जाएगी, वे उसमें आने की कृपा करें, उसमें आ सकते हैं, वो लोग यहां पर 10:15 तक पहुंच जाएं, हम यहां से 10:30 बजे बसें वहां रवाना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे सभी संगीतकारों के मैं सभी समिति से अनुरोध करता हूँ, संगीतकार श्री पुखराज जी शिंगा, कीबोर्ड पर श्री राजकुमार जी पुरोहित, तबले पर श्री मनोज कुमार जी भरानी, वायलिन सितार पर श्री बसंत जी उज्जैन वाले, ऑटो पैड पर श्री दामोदर जी, जो पंडित जी श्री महेश जी श्री ओम जी श्री श्याम जी श्री मनोज जी, झांकी श्री सीताराम जी, श्री गोविंद जी पसारी और श्री दरक जी। इसके बाद में स्वर्गीय प्रीति मालू एक सुमधुर प्रस्तुति भजन की यहां प्रस्तुत करेंगे। एक चाबी हमारे पास में आई है, घर की चाबी है, जिस किसकी भी हो कृपया
कार्यालय से प्राप्त कर लेवे। यह घर की चाबी किसी की खो गई है, कृपया ध्यान रहे, कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रमुख द्वार के समीप कार्यालय है, वहां से आप अगर किसी की चाबी खो गई हो तो अवश्य प्राप्त कर ले। आज के पात्रों के नाम, श्री कृष्ण के रूप में महावीर जी मालू, रुक्मिणी के रूप में प्रीति मालू, सुदामा जी, सुहाजी सोमानी और द्वारपाल के रूप में धर्मेंद्र मिश्राम और राधे इलावटी। देखिए रुक्मिणी जी स्वयं अपने श्रीमुख से भजन गा रही है, इससे अच्छा संयोग और सौभाग्य और क्या हो सकता है। आइए रुक्मिणी जी, प्रीति मालू, माताएं बेटे बैठी रहेंगी, बस भजन के बाद आरती और नजदीक के मंदिर में यही चलना है, दर्शन जरूर करना है। जय श्री कृष्णा। परम पूजनीय व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जी श्री मोहनदास जी महाराज एवं परम आदरणीय पधारे हुए सभी भक्तजनों का मैं सादर नमन करती हूँ। परम पिता प्रभु की असीम अनुकंपा से स्वामी जी महाराज और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से इस महेश्वरी समाज को ये भागवत कथा आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हमारा पूरा समाज आप सभी को अंतकरण से नमन करता है। तो जैसा कि आज भागवत समाप्ति है और स्वामी जी महाराज की विदाई, तो एक विदाई गीत ये शब्द कहे आंसू बन कर, हम कैसे कहे कहे
भावनाओं के साथ प्रीतिमालू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम इस संपूर्ण आयोजन की आयोजन समिति को मैं यहाँ क्रमवार आमंत्रित कर रहा हूँ। संयोजक श्री श्रवण कुमार जी मालू, कृपया आप व्यासपीठ पर आए। सहसंयोजक श्री राजेश जी बजाज, श्री सुधाकर जी पसारी, श्री जुगल जी जोशी, कोषाध्यक्ष श्री ब्रिज गोपाल जी दरक, प्रकल्प सहयोगी श्री गोविंद जी पसारी, श्री वासुदेव जी मालू, श्री राम अवतार जी तोतला, विशेष सहयोगी डॉक्टर परमेश्वर जी लड्डा एवं श्री सचिन जी सोनी, आपसे निवेदन है इतना सुंदर इतना महत्वपूर्ण आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न किया है। हमारा कर्तव्य है अपने स्थान पर बैठकर कर्ता ध्वनि से इन्हें अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम प्रदान करें। मुझे पता है पौन बज चुके हैं, लेकिन तालियां बजाने में आप थोड़ी सी कंजूसी ना करें। आपने साथ दिन तक बहुत सुंदर सहयोग दिया है, आपके सहयोग के लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। और अब आरती में मैं आज के दैनिक यजमान श्री उमाकांत जी अग्निहोत्री परिवार के साथ में आपसे अनुरोध करता हूं, आप मंच व्यासपीठ के समीप आ जाएं। अब आरती शुरू होंगी और उसके बाद में शोभा यात्रा बाजू में माता जी के मंदिर तक प्रस्थान करेंगी। आप सभी उसमें शामिल हो, सहयोगी बने। आरती पश्चात अब आरती होगी। आरती के बाद हम पाकुची के साथ शोभा यात्रा के अंदर मंदिर तक जाएंगे और उसके बाद आते ही यज्ञ यहाँ होन होगा, यज्ञ होगा, पूर्णावती होगी यज्ञ की। तो अभी आरती होगी, आरती के बाद शोभा यात्रा, उसके आते ही यज्ञ। अभी सभी प्रेम से आरती कीजिए। ओम 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 कृष्ण और रुक्मिणी बैठे हुए हैं, हमारे महावीर और तृप्ति व्यास गद्दी से मैं इनकी सर्वतोमुखी अभिवृद्धि की शुभकामना कर रहा हूँ कि इनके भक्ति दिन दौड़ी रोज चौगुणे गुरु निष्ठा माता पिता के प्रति निष्ठा देव निष्ठा में परिपूर्ण हो जावे। अब आरती होगी, आरती के बाद अपने यहाँ पास वाले मंदिर में चलेंगे जिनको चलना हो, और कोई पहले जावे तो वहां दर्शन करके जरूर जाना। संसार जन्म सदार संगम यारे भगवानी सैकम पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला।
चलेंगे हम सभी साथ में, आगे आगे भागवत जी, पीछे भाई लोग, माताएं बहनें, और व्यास जी के कोई प्रणाम मत करना, दूर से हाथ जोड़ देना भागवत जी को, आप प्रेम से पास वाले मंदिर तक चल